कुचामन सिटी में राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के साथ हुआ बाजार बंद। नागौर, कुचामन में राजस्थान सरकार के आदेश की कड़ी कार्रवाई में उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी रामवीर झाकड़ ने प्रशासन के साथ बाजार को बंद करवाया और साथ ही गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ उपखंड अधिकारी ने द्वारा 72 घंटे के लिए 9 दुकानें सीज की गईं। कुचामन सिटी के मुख्य बस स्टैंड पर उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी रामवीर झाकंड और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। 24 न्यूज HD हर्षित अग्रवाल, कुचामन सिटी, नागौर। राज्य सरकार द्वारा आगामी 60 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या रहा कुचामन में अभी शाम 5 बजे बाद में मार्केट की स्थिति अभी तक? जैसे कि 5 बजे बाद में सेल साहब ने हमने जो हमारी गेट टीम है हमने कहीं क्लिक से जस्ट चालू की तो हमने पाया कि कुछ दुकानें खुली है, तो ऐसी हमने 9 दुकानें 72 घंटे के लिए सीज कर दी है और पब्लिक को कोविड एप्रोप्रिएट और इसकी कर्फ्यू की पालना के लिए निर्देशित किया है। जैसा कि पूर्व में पिछले साल जिस तरह से पालना की लॉकडाउन की उसी तरह का ये गाइडलाइन रहेगी इस बार भी 60 घंटे के लिए? जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी अब तरह से पालना करते हैं। आवश्यक सेवाओं को लेकर क्या? आवश्यक सेवाओं में जैसे दूध है ना रास्ता, जैसे ये रेस्टोरेंट है ये 8 बजे तक 6 बजे तक तो रहते हैं और 8 बजे तक स्टे कर रहे हैं, 8 बजे बाद ये भी बंद हो जाएंगे। होटल के विषय में है कि होटल में यदि वो उनके कोई गेस्ट रुके हुए हैं तो उनके लिए वो भोजन सर्व कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मेडिकल शॉप्स है, टेनिस शॉप्स है और आवश्यक सेवाएँ हैं वो पहले की तरह जैसी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से अनिवर्त चालू रहे। राजस्थान रोड सेवा में अभी तक काफ़ी यात्री बाहर से आ रहे हैं, क्या रहेगा उनके लिए? वो अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, गाइडलाइन में क्लियर है। थैंक यू।